नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवगछिया में मिड डे मील खाने से 100 से अधिक बच्चे बीमार, स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण परिजनों में आक्रोश। दहेज हत्या मामले में 4 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा। वर्ष 2019 में मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में हुई थी घटना। 3 दिवसीय गायनोकोलॉजी सोसाइटी का नौवां अधिवेशन हुआ शुरू, पहले दिन हुआ सेमिनार का आयोजन। सृजन घोटाले के आरोपी की दुकान पर बैंक ने चस्पा की नीलामी की नोटिस, 29 नवंबर को होगी नीलामी। और प्रवासी पक्षियों का सर्वे करने वन विभाग की टीम पहुंची नवगछिया। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के नवगछिया प्रखंड अंतर्गत महदतपुर गांव स्थित मध्य विद्यालय महदतपुर में मिड डे मील खाना खाने से सैकड़ों बच्चे बीमार हो गए, जिसके बाद विद्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं इसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही परिजन स्कूल पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में बीमार बच्चों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुँचाया गया। इधर आक्रोशित परिजनों ने इस पर नाराजगी जताते हुए स्कूल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया और प्रशासन से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तो खाओ ने तो जाओ घर खाने के लिए, फिर सब बच्चा ने खाने लगा तो उसको मार मार के खिलाने लगा। कौन कौन? चित्रंजन सर। ये कौन है चित्रंजन? हेड सर। पहले कैसे पता चला उसमें गिरा हुआ है? क्या खाने के बाद क्या हुआ? मानून घूमने लगा, जब वेट वाली खाने लगी तब आए उस नाम का एक भैया था ना, उसी के थरिया में चिपके लिए मिला था। आज मीनू क्या था, खाना क्या था आज? दाल बैगन और आलू। थोड़ी देर पहले मालूम पड़ा है कि मध्याह्न भोजन खाने से मददपुर के कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, तो हमारा और SDO साहब दोनों का ये हुआ, दोनों आदमी हॉस्पिटल में है, SDO साहब भी है ना, हम लोग भी हैं, तो यहाँ जो भी अरेंजमेंट हो सकता है सब किया गया है। हम लोग भी घूम फिर के देखे हैं, ज़्यादातर बच्चे स्वस्थ हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर सबको अभी चेकअप में रखा गया है, डॉक्टर साहब उसका देख रहे हैं और स्थिति पर नियंत्रण किया गया है। बल का भी व्यवस्था करवा लिए हम लोग, क्योंकि गार्जियन बहुत सारे आ रहे हैं तो हौच पौच की कंडीशन नहीं हो, इसके लिए महिला बल भी अभी कॉल किया गया, थोड़े देर में पहुंच जाएगी। नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अखौड़ी अभिषेक सहाय की अदालत ने भीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झंडापुर OP के झंडापुर गांव में हुए दहेज हत्या के मामले में 4 अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा सुनाई। सजा पाने वाले अभियुक्तों में मृतका के पति झंडापुर निवासी सतीश कुमार ठाकुर, देवर राहुल कुमार, ससुर सकल देव ठाकुर और इस्माइलपुर के मदन टोला निवासी जीजा अनिल ठाकुर शामिल है। वही इस मामले में सबों को भारतीय दंड विधान संहिता की 304B और 120B में 10 वर्ष सश्रम कारावास और धारा 201 में 3 वर्ष की सजा दी गई है, जबकि सभी अभियुक्तों को 5,000 रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है और अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार साह उर्फ अरुण कसेरा ने बताया कि सभी सजा साथ साथ चलेगी। बता दें कि 5 मार्च 2019 को मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बादरपुर गनौर गांव निवासी उमेश ठाकुर की पुत्री कुसुम कुमारी उर्फ डोली की ससुराल वालों द्वारा गला दबाकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया गया था। बताया जाता है कि कुसुम उर्फ डोली और सतीश कुमार के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी और शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों द्वारा कुसुम के मायके वालों से 2 लाख रुपये, एक मोटरसाइकिल और सोने के जेवरात दहेज की मांग की जाने लगी। लेकिन मुंबई में मजदूरी करने वाले कुसुम के गरीब माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण लोगों ने कुसुम के ससुराल वालों को दहेज देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद डोली को उसके ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा और अंततः 5 मार्च 2019 को शिवरात्रि के दिन कुसुम के सभी ससुराल वालों का मोबाइल स्विच ऑफ आने पर मृतिका के पिता उमेश ठाकुर ने झंडापुर में रहने वाले अपने भांजे मुकेश कुमार ठाकुर को फोन कर उसे कुसुम की खैरियत जानने के लिए कहा। वह इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में सतीश के घर का ताला तोड़ा गया, जहां कमरे से एक बोरे में बंद कुसुम की लाश मिली थी। झंडापुर थाना कांड संख्या 81-19 में सजा इस कांड के 4 मुद्दाले के खिलाफ सुनाई गई। मुकदमे का सेशन ट्रायल नंबर 393-19 था, जिस मुकदमे में 304 बी,
134 IPC अंतर्गत इस कांड के नामित चार मुदले के खिलाफ 304 बी 120 बी में 10 साल की सजा, 201 भारतीय दंड विधान में 3 साल की सजा और प्रत्येक मुदले के 5,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना का सजा दिया गया। बिहार झारखंड के एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स पेजी गायनोकोलॉजी सोसाइटी का 9वां 3 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन शुक्रवार को शुरू हो गया। 11 से 13 नवंबर तक भागलपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सिम कुमार दास, प्राचार्य डॉक्टर उमाशंकर सिंह, डॉक्टर रेखा झा सहित कई महिला चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं अपने संबोधन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सेमिनार से जहां भागलपुर के डॉक्टरों को भी इलाज को लेकर कई नई जानकारियां मिलेगी, वहीं मेडिकल के छात्र छात्राओं को भी काफी लाभ मिलेगा। इधर सेमिनार को विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर PC महापात्रा ने भी संबोधित करते हुए चिकित्सकों को कई टिप्स देते हुए कहा कि निरंतर शोध करने के साथ नई नई उपलब्धियों को जानना हम सभी के लिए अनिवार्य है। कार्यक्रम के पहले दिन वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें कई चिकित्सकों ने इलाज की तकनीक और नए रिसर्च से संबंधित जानकारी दी, जबकि इस दौरान भागलपुर समेत देश के अलग अलग हिस्सों से आए प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट ने संबोधित किया। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल से जुड़ी महिला चिकित्सकों ने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर अपनी जानकारी साझा की। अधिवेशन में जनसंख्या वृद्धि, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया सहित कई बीमारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और इलाज के साथ साथ आम महिलाओं से भी स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की बात विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कही। मौके पर डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर कविता वर्यवाल, डॉक्टर अनुपमा सिन्हा, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर ऋचा शर्मा समेत काफी संख्या में स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद थे। और इसमें जो है आप लोग जान रहे हैं कि इस राज्य के आसपास के राज्य के देश के विभिन्न शहरों से अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग आ रहे हैं भागलपुर में और इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो कॉलेज एंड हॉस्पिटल दोनों के जितने भी डिग्निट्रीज हैं सब लोग इन्वॉल्व हैं, तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम के सफलता की कामना करता हूँ। ठीक, भागलपुर इज अ वेरी फेमस सोसाइटी एंड दे यूजुअली कंडक्ट द लाइव सर्जिकल वर्कशॉप, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। कितने बार हम यहाँ आया, ऑपरेशन किया भी, आपके साथ मुलाकात भी हुआ, तो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो द रिसेंट एडवांसेस, व्हाट आर द न्यू थिंग्स इन सर्जरी इन वेरियस एस्पेक्ट्स। सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, हिस्टोस्कोपिक सर्जरी, वजनल सर्जरी, all will be demonstrated. The faculty has come from various places. I congratulate the Bhagalpur Society for organizing this fantastic conference. सृजन घोटाला मामले में शामिल व्यवसायी NV राजू की भागलपुर स्थित कलिंगा सेल्स दुकान पर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा नीलामी की नोटिस चस्पा दी गई है। दरअसल भागलपुर के कचहरी चौक स्थित कलिंगा सेल्स दुकान पर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा नीलामी का नोटिस चिपकाया गया है जिसके मालिक NV राजू के द्वारा बैंक से लोन लिया गया था, लेकिन उसके बाद NV राजू ने बैंक को लोन की राशि नहीं चुकाई। बताया जा रहा है कि इसको लेकर बैंक के द्वारा कई बार उन्हें नोटिस दिया गया, इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया लेकिन वहां भी NV राजू पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने नीलामी का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट के आदेश के अनुसार नीलामी 29 नवंबर को होगी और इसी को लेकर प्रतिष्ठान में नोटिस चिपका दिया गया है। वहीं इसको लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिवक्ता केशव कुमार झा ने बताया कि NV राजू उड़ीसा का रहने वाला है और इसके सृजन घोटाले में भी संलिप्त होने की बात सामने आई थी। उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा से NV राजू ने 69,72,000 रुपये का लोन लिया था जिसमें 3 प्रॉपर्टी मोर्गेज में थी और अब तक 2 प्रॉपर्टी की नीलामी हो चुकी है जबकि 1 प्रॉपर्टी की नीलामी के लिए कार्रवाई की जा रही है। लोन लिया गया था इनके द्वारा जिसमें कि लोन नहीं चुका पाए और इसके लिए इसको नीलामी बैंक के DM परमिशन के आधार पर इसका नीलामी निकला है जिसका कि 29/11 को बीट है। क्या मामला था? मामला भाई लोन लिए हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा से जिसमें कि ये ज़मीन इनकी मॉर्गेज थी, 3 प्रॉपर्टी मॉर्गेज था, 2 प्रॉपर्टी बीत चुका, ये प्रॉपर्टी बची हुई है। जिला वन पदाधिकारी भरत चिंतापल्ली के नेतृत्व में एक टीम जगतपुर झील पहुंची, जहां प्रवासी पक्षियों और अन्य जीवों का सर्वे किया गया। इस दौरान वन क्षेत्र पदाधिकारी पृथ्वीनाथ सिंह, पक्षीविद अरविंद मिश्रा, डॉक्टर संजीत कुमार, जगतपुर के मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप यादव, वनरक्षी अमन कुमार और पूनम कुमारी समेत जगतपुर गाँव में बनाई गई इको विकास समिति के सदस्यों ने सर्वे में हिस्सा लिया। DFO भरत चिंतापल्ली ने कहा कि जैव विविधता की गणना की जा रही है और यहाँ कुछ नई प्रजाति के
पक्षी, तितलियां और कीड़े देखे गए हैं। उन्होंने बताया कि नया व्याघ्रीय पतंग प्रजाति का भी पक्षी यहां देखा गया है और यहां जलकुंभी से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। साथ ही कहा कि मगरमच्छ और घड़ियाल दिखना या इसकी संख्या गंगा नदी में बढ़ना सामान्य और प्राकृतिक बात है और इसे सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। इधर बीते दिनों हुए सर्वे में भी राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिससे गंगा में कई छोटे जीवों की संख्या में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा स्थानीय लोगों की सहायता से डॉल्फिन को पूर्ण संरक्षित करने की बात कही गई। वहीं वन विभाग के पदाधिकारियों ने गंगा में जाल नहीं लगाने की बात करते हुए कहा कि यह कानूनन अपराध है। पक्षीविद अरविंद मिश्र ने कहा कि जगतपुर पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक धरोहर है और सरकार को इसे संरक्षित करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी 7 प्रवासी पक्षियों को देखा जा रहा है, जबकि इस जगह पर 165 प्रजाति के पक्षियों को पूर्व में देखा गया है। डेफिनेटली वेरी गुड क्वेश्चन। सो आगे जाके वी आर एक्सपेक्टिंग मोर स्पीशीज टू कम इन, और ज्यादा प्रजाति आएंगे तो हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा था ये प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है, तो आगे जाके हो सकता है और एक एक्सरसाइज करना पड़े दिसंबर में, ताकि हमको और एक वेल राउंडेड जो डेटा है वो मिले। देखिए जगतपुर झील तो मैं 20-25 वर्षों से आता रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने इस झील में पक्षियों या यहाँ की जो जैव विविधता उसको बचा के रखा है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। थैंक्स गॉड कि इस बार देर से सही लेकिन बारिश हुई, फसल को जो नुकसान हुआ लेकिन वेटलैंड्स के लिए आगे जाके फायदा हुआ, जिसके कारण से अभी हम लगभग 50 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी यहाँ देख पा रहे हैं। और यहाँ सिर्फ पक्षी नहीं, यहाँ तो उदबिलाव, मछली, कछुए, तितलियाँ, ड्रैगन फ्लाई, मतलब एक कंप्लीट इकोलॉजिकल साइट है ये। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मैं पार्वती देवी, मेरा उम्र 37 वर्ष है और मेरा फीवर आया था 4 महीना पहले, तो उस समय दिखाए डॉक्टर के पास तो मेरा थी, बोले शुगर जांच कराइए, शुगर जांच कराए तो मेरा 350 था, तो फिर मेरा दवा भी चलने लगा शुगर का। उसके बाद 1.5-2 महीना के बाद यहाँ पता चला कि डॉक्टर है वहाँ दिखाइए, तो दिखाए वहाँ तो मेरा 4 महीना दवा चला तो मेरा शुगर एकदम कंट्रोल है, ठीक है। अभी 1 महीना से मेरा दवा बंद है और शुगर जांच कराए तो मेरा 100 आया और हम सब चीज खा पी रहे हैं और ठीक ठाक हैं। मेरा नाम नूर आलम हुआ, गोपालगंज से हैं। हमको शुगर लमसम 3 साल से था, 3 साल पहले मालूम चला तो हमने आयुर्वेद का दवा खा रहे थे, पर कभी उसमें कम हो जा रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था। YouTube के माध्यम से डॉक्टर साहब का मालूम चला, हम यहाँ आए, आकर दिखाए हैं, लमसम लगातार 5-4 महीने के आसपास दवा खाए हैं। अभी 2 महीने से दवा हम नहीं खा रहे हैं, फिर भी मेरा 139 है सब कुछ खाने के बाद, शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंकेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर सुल्तानगंज के विस्कोमान भवन में किसानों को 3 दिन से यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर मिरहट्टी के पुरुष और महिला किसानों ने बताया कि 3 दिन से यूरिया खाद के लिए विस्कोमान भवन का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन लोगों को यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। किसानों ने कहा कि विस्कोमान भवन के मैनेजर द्वारा यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही है, जिसके कारण उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। वहीं इसको लेकर विस्कोमान भवन के मैनेजर का कहना
रहे हैं कि मशीन ख़राब है, इसलिए किसानों को खाद नहीं दे पा रहे हैं और मशीन ठीक होते ही किसानों को यूरिया खाद देना शुरू कर दिया जाएगा। इधर कृषि पदाधिकारी अजय मणि ने बताया कि किसानों को एक दिन पूर्व यूरिया खाद दिया गया है और फिलहाल नहीं देने का क्या कारण है इसका पता लगाकर किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। जबकि कृषि पदाधिकारी ने खाद की कालाबाजारी के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। जिसको मान सर को खाद नहीं मिल रहा है, क्या दिन से? दो दिन तीन दिन से परेशान हो रहे हैं, दौड़ रहे कि आज आएगा कल आएगा, उसके बाद जा रहे तो मशीन खराब है। मशीन खराब कर रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। गली गेट खोल दिया है, पब्लिक बहुत बैठा हुआ है यहाँ। क्या लगता है ब्लैक कर रहा है क्या? लग रहा है ब्लैक ही हो रहा है सब, पूरा खाद चला जा रहा है ब्लैक, ब्लैक में बेच रहा है। कौन बेच रहा है? मैनेजर कौन बेच रहा है? वही का जो स्टाफ होगा वही बेच रहा होगा। दिक्कत यही है सर कि खाद नहीं मिल रहा है। ये दिन से रोज रोज बुलाता है, देता है, ये नहीं है खाद का, तो आज मशीन खराब है, आज हम खराब है, ब्लैक ब्लैक कर रहा है, ब्लैक तो खूब हो रहा है। जिस चीज का रेट की 1250 है वो दे रहा है 1300 में बिना फिंगर लिए, तो ब्लैक क्या ना हुआ सर? ब्लैक कर रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज कुमैठा प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोला में सहायक शिक्षिका रिया कुमारी चक्रवर्ती एवं स्कूल के प्रधान अध्यापक के बीच दो दिन पूर्व हुए शौचालय को लेकर विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। दरअसल रिया कुमारी चक्रवर्ती द्वारा प्रधान अध्यापक पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए बात थाना में लिखित आवेदन दिया गया है, इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मामले को लेकर वर्तमान मुखिया अनिल दास ने बताया कि दो दिन पूर्व स्कूल के सहायक शिक्षिका द्वारा अपने सहयोगियों के साथ स्कूल आकर शौचालय सफाई के नाम पर प्रधानाध्यापक से मारपीट करना शुरू कर दी और प्रधानाध्यापक द्वारा मारपीट की गई, इसको लेकर बाद थाना में लिखित आवेदन देकर उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि सहायक शिक्षिका द्वारा स्कूल में दबंगई दिखाया जाता है, जबकि शिक्षिका स्कूल भी कभी कभी आती है जबकि स्कूल में सही से बच्चों को पढ़ाती भी नहीं है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि शिक्षिका द्वारा दर्ज कराया गया झूठा मुकदमा वापस लिया जाए और जब तक वो अपना केस वापस नहीं लेती है तब तक वो स्कूल में पठन पाठन बंद रहेगा। केस आकर के दबंगगिरी किए रीता चक्रवर्ती जी, हेडमास्टर साहब को मारे पीटे भी हैं रजिस्टर लेकर के, और ग्रामीण जब बीच बिचाव करने के लिए आए उनका प्राथमिक दर्ज बात थाना में कर दिए हैं, जिसमें 11 आदमी का नाम है। उसमें रीता चक्रवर्ती की पति बात थाना के दरोगा आए थे, उस समय हम लोग आए, उसके बाद जो है हम लोग और रीता चक्रवर्ती के पति जी साइड ले जा करके बोला कि मेरा पत्नी तो गलती कर दिए हैं, हेडमास्टर साहब को मदद आप कीजिए। तो हमने बोला काहे की मदद करेंगे, नहीं उनके ऊपर केस हम करने जा रहे हैं, हरिजन एक्ट लगावेंगे और आप हमको मदद कीजिए। हमने बोला कोई मदद नहीं, गलत आपकी पत्नी करती है, आकर के इस विद्यालय में स्कूल आती नहीं है और उनके केस जो रजिस्टर पर हाजिरी गलत बना करके जाते हैं। भैया यहाँ देख लिया कि मैडम ने सरोक मारी रहे कुर्सी फेंकी चप्पल फेंकी का, हमारे उनका मुँह से लिए दौड़ लिए, मैं चार को फोन करी का बुला के चार को छोड़ा ले, कार लगे के कोई मोटरसाइकिल से ऐल वहाँ लगा दिल के मैं ले बच्चा आदमी था मैडम के आदमी चक्रवर्ती मैडम जे की नाम से मत नहीं जाने रीता देवी बाइले बोला के सबका फोन करी के हमरा के बाल बच्चा हमें बाल बच्चा समेटा लगलिए मैं हनकम मचा दिल चार गो छोड़ना तो सर के साथ मारपीट की। हाँ सर के साथ मारपीट कर तक हम देखिए कुर्सी फेंकी मारलकै ग्रामीण के साथ चार गो छोड़ा अल मैं करे लगे हनकमा मचा दिल दबंगई देखा। हाँ दबंगई देखाया और मैडम को साइड करके बचा लिया रूम मार करने के लिए भीड़। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन आईबॉक भागलपुर और बांका इकाई की ओर से बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान के समर्थन में शुक्रवार की सुबह खंजरपुर स्थित एसबीआई भागलपुर मुख्य शाखा से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया पंजाब, नेशनल बैंक समेत सभी बैंक की शाखाओं में पदस्थापित करीब 300 अधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपनी मांगों के समर्थन में पोस्टर बैनर के साथ जमकर नारेबाजी की। इसको लेकर आईबॉक बिहार इकाई के प्रेसिडेंट एवं आईबॉक नेशनल बॉडी के डीजीएस गणेश पांडे ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार के सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में देने की नीति का वो सभी विरोध करते हैं और इसके लिए ही सभी बैंक अधिकारी सड़क पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी बैंक कर्मियों की चट्टानी एकता के सामने सरकार को बैंकों के निजीकरण का फैसला वापस लेना होगा। वहीं प्रभात फेरी के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ बैंक अधिकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार को आगाह किया और कहा कि मोदी सरकार को अपनी मनमानी
दुकानें बंद करनी होगी, नहीं तो आने वाले दिनों में और व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और इससे होने वाले नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। इधर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी गुंजेश कुमार ने बैंकर्स को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी बैंक आम लोगों के साथ गरीबों के हित में काम कर रही है और यहाँ सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को आसानी से मिल पाता है, जो निजीकरण के बाद सुलभ नहीं रहेगा। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नवगछिया में मिड डे मील खाने से 100 से अधिक बच्चे बीमार, स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण परिजनों में आक्रोश। दहेज हत्या मामले में 4 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा, वर्ष 2019 में मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में हुई थी घटना। 3 दिवसीय गायनोकोलॉजी सोसाइटी का नौवा अधिवेशन हुआ शुरू, पहले दिन हुआ सेमिनार का आयोजन। सृजन घोटाले के आरोपी की दुकान पर बैंक ने चस्पा की नीलामी की नोटिस, 29 नवंबर को होगी नीलामी। और प्रवासी पक्षियों का सर्वे करने वन विभाग की टीम पहुंची नवगछिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।